दोस्तों आज हम लोग इस 3G और 4G सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी सिम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हैं और हमेशा की तरह इसके इनसाइड भी देखेंगे, यानी इसके इंटीग्रेटेड सर्किट बैक साइड से कैसे दिखते हैं। तो लेट्स डू इट क्रॉस क्रॉस। दोस्तों ये मेरे पास एक एयरटेल का 3G माइक्रो साइज का और जियो का 4G नैनो साइज का दो सिम है। ये 3G और 4G में G का मीनिंग होता है जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का सिम। अगर इस सिम की बात करें तो आपने सभी सिम के फ्रंट में इस नंबर को तो देखा ही होगा। इसे ICC ID कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर। अगर इसकी IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो ये है इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक्चुअल में नैनो साइज की है। ये सर्किट PVC के प्लेट पे चिपकी हुई होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कुछ लाइन मिलेगी जो इसे कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये ऊपर वाला इनपुट और आउटपुट के लिए, ये प्रोग्रामिंग वोल्टेज के लिए, ये ग्राउंड के लिए, और राइट साइड में ऊपर में ये क्लॉक के लिए, और ये रिसेट के लिए, और ये लास्ट वाला 5 वोल्ट DC पावर के लिए डिज़ाइन की हुई होती है। और इसके 20 वाले सेक्शन के पीछे इनके चिप लगे हुए होते हैं। अगर हम इस 3G और 4G के IC को कंपेयर करें एक दूसरे से, तो आप देख सकते हो कि 4G के IC 3G के IC से छोटा है। चलिए अब इसके इनसाइड देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। इसके IC को हटाने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप किसी चाकू पर इसे रख कर नीचे से गर्म करोगे तो ये इसके IC आसानी से हट जाते हैं। दोस्तों किसी भी सिम कार्ड में मुख्य रूप से 3 टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं। पहला PVC जो इसका बॉडी होता है, दूसरा सिलिकॉन जिससे इसकी चिप बनती है, और तीसरा गोल्ड जो कि इसके ऊपर वाले लेयर होते हैं जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन के पिन से कनेक्ट होता है। लगभग 1000 सिम में 1 ग्राम गोल्ड शामिल होता है। अगर रेट की बात करें तो अभी गोल्ड का इंडियन रेट के हिसाब से आपके एक सिम में 3 से 4 रुपये के सिर्फ गोल्ड लगे हुए हैं। अगर एक सिम कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग 6 से 7 रुपये का होता है। ये मैंने इसके सर्किट को निकाल दिया है, जो बिना सर्किट के कुछ इस तरह के दिखते हैं। और अगर इसकी सर्किट की बात करें तो ये आप ऊपर में देख सकते हो ब्लैक कलर का, ये इसका कैप होता है जिसके नीचे इसके चिप लगे हुए होते हैं। चलिए फटाफट इसके कैप को हटाते हैं और इस 3G सिम के चिप को देखते हैं। ये इसके कैप बैक साइड से कुछ इस तरह के दिखते हैं, और ये मिडल में जो स्क्वायर शेप का है यही इसका चिप होता है। दोस्तों एक सिम कार्ड अपने आप में एक CPU जैसा होता है, क्योंकि इसमें रैम, रोम और प्रोसेसर भी लगे हुए होते हैं। और अगर एक सिम कार्ड के स्टोरेज की बात करें तो एवरेज में एक सिम की स्टोरेज 64 KB की होती है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस सेव होते हैं। चलिए अब इस 4G सिम के इनसाइड के इक्विपमेंट को देखते हैं कि क्या ये 3G सिम के इक्विपमेंट से कुछ अलग है या उसी के तरह है। तो ये मैंने इसे खोल दिया, ये इसके कैप जिसके पीछे इसके चिप लगे होते हैं। चलिए अब इस कैप को हटाते हैं और देखते हैं कि चिप का साइज क्या है। ये रहे इस 4G सिम के चिप, जो कि ये कैप से निकल गया है। चलिए अब इसके चिप को कंपेयर करते हैं 3G के चिप से। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कैप के मिडल में लगा हुआ 3G के चिप है, और ये बाहर निकला हुआ 4G के चिप है। आप देख सकते हो 3G के चिप जो है 4G के चिप से छोटा है, यानी 4G का चिप बड़ा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।